नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज जो है आईपीएल 2020 का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां पर दोस्तों आरसीबी बनाम डीसी के बीच में ये मैच होने वाला है। आज जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और हारने वाली टीम जो है लगभग बाहर हो जाएगी, उसे दूसरी टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के मैच में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आरसीबी और डीसी इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को जब यहां एक दूसरे का सामना करेंगी तो उनकी निगाहें हार की लय तोड़कर अंक तालिका में शीर्ष दो में जगह बनाने पर टिकी होंगी। दोनों टीमें लगातार हार से आहत हैं। दिल्ली ने लगातार 4 तो वहीं आरसीबी ने 3 मैच गंवाए हैं। अभी दोनों टीमें हार का क्रम तोड़कर शीर्ष दो स्थान बनाने का प्रयास करेंगी, जिससे कि उन्हें फाइनल में जाने का 2 चांस मिले। इस मैच में हारने वाली टीम भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। दिल्ली की टीम टूर्नामेंट के पहले चरण में सबसे दमदार नजर आ रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में उनका प्रदर्शन जो है कुछ खास नहीं रहा है। आरसीबी भी लगातार हार से आहत है। उसे शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। लगातार 3 हार के बाद टीम की विराट कोहली और डिविलियर्स पर निर्भरता से जुड़ी चर्चा फिर से शुरू हो गई है। कोहली और डिविलियर्स पिछले 2 मैचों में नहीं चल पाए हैं, जिसके कारण टीम को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। एरन फिंच की जगह शीर्ष क्रम में जगह बनाने वाले जोशुआ फिलिप ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वह 20 से बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए हैं। यूए में ठंडा मौसम होता जा रहा है और ऐसे में ओस की भूमिका बढ़ गई है। सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए टीमें टॉस जीतने पर यहां पर फील्डिंग चुनती हैं, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी यही हार का कारण माना था। तो दोस्तों आज जो है क्वार्टर फाइनल जैसा मुकाबला होने वाला है। यहां पर जो भी टीम जीतेगी वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। अगर आरसीबी जीतती है तो आरसीबी जाएगी, दिल्ली जीतती है तो दिल्ली जाएगी। मगर दोस्तों अगर यहां पर इन दोनों टीमों में से कोई टीम हार भी जाती है तो भी उसके पास थोड़ा सा चांस रहेगा कि उन्हें रन रेट के आधार पर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए, लेकिन इसके लिए रन रेट का भी अच्छा होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों वहां पर हैदराबाद को भी हारना पड़ेगा। अगर मुंबई इंडियंस जो हैदराबाद को हरा देती है तो ही जाने के चांसेस रहेंगे बाकी टीमों के, केकेआर के या फिर दिल्ली आरसीबी की। तो दोस्तों अब बात करें कि इस मैच में आखिरकार दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो पहले बात कर लेते हैं यहां पर दिल्ली की प्लेइंग 11 की। दिल्ली के लिए यहां पर दोस्तों पहले खेलते हुए नजर आने वाले शिखर धवन, इसके बाद पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, शिमरन हेटमायर, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोनिस, एंड्रिक नोकिया, आर अश्विन, कगिसोर अबाडा, हर्षल पटेल और प्रवीण दुबे। इसके बाद दोस्तों बात करें आरसीबी की प्लेइंग 11 की, तो आरसीबी के लिए यहां पर खेलते हुए नजर आने वाले देवदत्त पड्डीकल, जोशुआ फिलिप, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, गुरकीरत सिंह मान या फिर दोस्तों यहां पर शिवम दुबे को मौका मिल जाएगा। इसके बाद सुंदर, इसके बाद क्रिस मॉरिस, इजुरदाना, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज और लास्ट में चहल। तो दोस्तों ये थी हमारे हिसाब से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो कि आज के मैच में हो सकती है फाइनल मैच में। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।